नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखनऊ इस्कॉन टेंपल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है भगवान कृष्ण के उन अनेक रूपों का दर्शन करने के लिए। तो आइए लोगों से जानते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है इस्कॉन टेंपल लखनऊ द्वारा। आप यहाँ पर आइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं यहाँ पर, उनका दर्शन हुआ। जी हुआ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा है मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने भगवान कृष्ण के दर्शन किए यहाँ पर? बहुत सुंदर। हाँ, कैसा लगा इस्कॉन टेम्पल आके? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, सब कुछ राधा में लग रहा है। कृष्ण और राधा दोनों की जो सामंजस्य है, जो जोड़ है, वो अतुलनीय है। तो उसको बताना ही मतलब बड़ा मुश्किल है। तो जो श्रद्धा भाव पनपते हैं वो मतलब एकदम अलग ही रहता है। आज के दिन जन्माष्टमी है तो थोड़ा अलग ही महसूस होता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो कितनी उत्साहित है, कितनी खुश है? हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे कोई भगवान जी माने गए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये उत्सव हम देख के जाएं और एंजॉय करके जाएं। साथ साथ हमारे लखनऊ में ये मंदिर है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन इसका अनुभव बड़ा अच्छा रहा मुझे। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होते रहें तो बहुत बेहतर है, ये खासतौर से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आ गया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, अगर ऐसे रहे तो ये इस तरह से मिलते कहाँ हैं? अगर इस तरह से जगह जगह मिलते रहे तो फिर मन खुश हो जाता है, यहाँ के मन को बहुत शांति होती है। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे इस्कॉन टेंपल पे। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा, यहाँ पे लखनऊ में पहला ये इस्कॉन टेंपल है। अंदर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और लोगों का जो भीड़ है वो पूरा राधा कृष्ण के पूजा में लीन हो चुके हैं। और अंदर खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो हर कोई आ सकता है यहाँ पे। और सारी चीज़ों की फैसिलिटीज अच्छी रखी गई है यहाँ पे, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। लाइन में भी कोई भागा दौड़ी नहीं, आराम से काम चल रहा है। नहीं, ठीक है, दर्शन पाके बहुत खुशी हुई और काफ़ी न्यू लगा। यहाँ पे आके शांति मिली, राधा कृष्ण जी की काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिला। बहुत खुश हैं इस पर्यावरण से। सब कुछ कृष्णमय हो गया, राधामय हो गया, राधामय हो गया सब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब कृष्णमय है और मन नहीं करता जाने के, इतना अच्छा लग रहा है। Wonderfully good, very nice. I am a bhakt of Krishna, so as it is, I am really loving it. I always believe that there is a pull. Without that pull, any person cannot, any disciple cannot be a part of it. And I basically believe that in every each one of us, we have Krishna inside. So Jai Shri Krishna, and I'm loving it. कृष्णा के जन्म में सभी उत्साहित हैं और उसके साथ साथ हम भी उत्साहित हैं, मगर बहुत ही यहाँ आके तो बहुत ही प्रेम में, बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा है यहाँ का वातावरण। मतलब मन नहीं करेगा, मन यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आपको लगेगा जैसे डांस करिए, जस्ट बी देयर। सबको बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत टाइम से हर साल आते हैं यहाँ पर और इस बार आयुष्मान भी आए हैं हमारे साथ, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मंदिर है, देख के दिल खुश हो गया। जी नहीं, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। जी जरूर जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ यहीं आके दर्शन करूँ, मेरी तो बहुत इच्छा है। बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए। तो और भी आज लखनऊ में भी कई लोगों की जानकारी में नहीं है ये मंदिर, तो थोड़ा सा और 50 साल होगा तो काफ़ी लोग यहाँ पे आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। अच्छा, तो अभी मतलब एक मूर्ति जो लगी हुई है वो सही है, उसके बाद में धीरे धीरे इसका जल्दी से जल्दी विकास हो, क्योंकि सबको जानकारी हो, बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है, यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है। और तो क्या, एक आस्था से जो आने वाले फ्यूचर है वो सही हो, सबका वर्तमान अच्छा हो।
तो इस बार इस्कॉन मंदिर ने हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी को और भी भव्य बना दिया है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।